खबर है सच है कि झूठे पता नहीं हमको। बहुत सारे सहारा के हमारे निवेशक हमेशा ये पूछते रहते हैं कि साहब आप तीसरी अदालत कब लगा रहे हो, जब जस्टिस खेहर को भी आप इम्प्लीकेट करोगे, पूछ रहे हैं। यस यस बिल्कुल लगेंगी, तो उसपे तो एक्चुअली करना जरूरी है। अभी अभी तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अभी सही टाइम है, मतलब सरकार जल्दी काम करेंगी। अभी अभी इलेक्शन का माहौल नजदीक आ रहा था, सरकार जल्दी काम करेगी। तो मैं आता हूँ, मेन मतलब है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत जो है या जो पीपल्स कोर्ट ऑफ भारत, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया इज नाउ पीपल्स कोर्ट ऑफ भारत। पीपल्स कोर्ट ऑफ भारत, जो पीपल्स कोर्ट ऑफ भारत है, वो पीपल्स कोर्ट ऑफ भारत अब ये तय कर रहा है कि कहीं भी आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हो, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, उसको भी फंडामेंटल राइट्स को यूटिलाइज करने का पूरा अधिकार है, और उसके बाद अगर उनके खिलाफ कुछ आता है तभी उनको सजा मिलनी चाहिए। तो ये एक बहुत, क्या ये खुशखबरी है प्रभुनाथ सिंह के लिए? अभी मेरे हिसाब से तो उनके लिए अच्छी बात है, मतलब ये हमारे टीम के रिसर्च में आया है। बाहुबली के लिए जो अभी लाइफ टर्म इंप्रिजनमेंट काट रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। हाँ अभी तो देखिए मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है, क्योंकि जब ये रिट आएगा ना, तो जिस तरह से रिविजय कुर्ले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद दी हुई सजा को स्टे कर दिया, वैसा इनका भी सजा स्टे होगा। जब अपील की सुनवाई होगी तब यह होगा, ये इनके लिए पॉजिटिव पार्ट हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो है ये उनके खिलाफ हत्या का मामला है। नहीं, ये सबके लिए लागू है, जो लॉ में कह रहा हूँ ये लॉ सबके लिए लागू है। और देखिए हमारा इसमें ये कोई उद्देश्य नहीं है, इसमें जब वो उनको ये अपील का सिर्फ उद्देश्य है कि आपका सिर्फ उद्देश्य है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, उसको कैसे आप इन द परव्यू ऑफ लॉ कैसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यही है आपका मतलब? यस, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं। देखिए अभी रशीद भाई अपने ऑफिस में थे, अभी निकले बाहर गए, तो जो ये केस के पिटिशनर है रशीद खान पठान साहब, देखिए हमने क्या इसमें किया है, सब देश ने देखा इनका केस ना, प्रभुनाथ सिंह जी का केस तो एक ठीक है, ट्रायल का जो भी वो अलग पार्ट है, मैं मेरिट पे नहीं जा रहा हूं। तीस्ता सेटलवार का केस क्या है, तीस्ता सेटलवार का केस यह है कि उसने इस देश के प्राइम मिनिस्टर को मर्डर के झूठे केस में फंसाया, ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एफआईआर रजिस्टर हुआ। वो आईपीसी 194 में तीस्ता सेटलवार को लाइफ की सजा का प्रावधान है, उसमें इंप्रिजनमेंट का, उम्र कैद का। उस केस में उसके लिए सुप्रीम अपने माननीय चंद्रचूड साहब छुट्टी के दिन एक बेंच बैठाते हैं, उस बेंच के दो जज के ओपिनियन में डिफरेंस आता है तो कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो लार्जर बेंच उसी दिन शाम को स्पेशल बैठ जाता है और इसको बेल दे दी जाती है, जबकि क्लियर प्रूव हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश में लार्जर बेंच के कि इसने ये किया है। और एक बात, खुद जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का नवीन कुमार का जजमेंट है 2020 का कि जब ये ऐसे झूठे गवाह बनाना, किसी को फंसाना, ऐसी जो केस होती है उसमें 7 साल भी अगर सजा है तब भी उसको बेल नहीं देना चाहिए, जेल में रखकर केस चलाना चाहिए। लेकिन तीस्ता सेटलवार के लिए यूनो से ह्यूमन राइट कमेटी लेटर लिख देती है, इधर से ये चिल्लाने लगते हैं, तो उनको मिल जाता है फैसिलिटी। तो अभी मुझे इतना बताइए, वो फैसिलिटी चाहे वो प्रभुनाथ सिंह जी हो या इस देश का एक कोई कॉमन मैन हो, जैसा मैंने आपको नासिक का केस बताया, सुप्रीम कोर्ट उसका डेथ पेनल्टी अपील कर रहा है, बाद में मालूम पड़ रहा है अरे सॉरी ये आप निर्दोष हो, 50 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन दे दो। तो ये जो हो रहा है ये रुकना चाहिए, इस देश के नागरिकों का सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट का वायलेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो रहा है, ऐसा हमने एक रिपोर्ट बनाया है, तो उसके ऊपर विचार होना चाहिए और उस पे रिफॉर्म की जरूरत है। कॉमन मैन का विषय होता तो रिफॉर्म नहीं आता, जब बड़े लोगों का यह विषय आता तब इसमें रिफॉर्म आएगा, तब सारे पॉलिटिकल लीडर भी सोचेंगे हाँ यार ये बात तो सही है, ऐसा होना चाहिए तब रिफॉर्म आएगा, ये हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो दर्शकों आपको ये समझ में आया कि क्यों नीलेश ओझा प्रभुनाथ सिंह के केस को उठा रहे हैं और क्यों पीपुल्स कोर्ट ऑफ भारत
इस मुद्दे को आने वाले दिनों में उठाने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशंस हो रहे हैं और इसको आपके जहन में लाया जा रहा है। और ये तभी मुद्दा बनेगा जब इस तरह के बड़े केसेस जो हैं उनकी संज्ञान में लाया जाए कि उनके साथ हो रहा है, क्योंकि कॉमन मैन के केसेस को लोग तवज्जो नहीं देते। इसीलिए पीपल्स कोर्ट की का ये पूरा एक प्रकार से दर्शन है कि जनता को मैक्सिमम कानून से राहत मिले और कानून जनता के लिए हो, किसी भी आम जनता के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना हो। इसीलिए पीपल्स कोर्ट ऑफ भारत सजग और अलर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी आपके इस बेहतरीन बेहतरीन मोर्चाबंदी के लिए, और इसमें संभव है कि प्रभुनाथ सिंह को इसका लाभ मिल जाए, मिले कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो किसी मर्डर केस में इन्वॉल्व हैं तो क्या उनको फंसाया गया है, नहीं फंसाया गया है, हत्या के असली आरोपी कौन हैं, इसकी भी तहकीकात एक बार फिर से हो जाएगी। लेकिन जो कोई भी हत्या के आरोपी हैं उनको तो सजा जरूर मिले। अगर प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ कंफर्म हो जाता है तो उनको भी सजा, वो तो भुगत ही रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया हुआ है, इसलिए ये एक प्ली बनता है कि एक उनको एपिलेट का अधिकार मिले। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी इस महत्वपूर्ण बातचीत में शामिल होने के लिए, और बिहार के दर्शकों के लिए कम से कम ये एक बड़ी खबर है, वो देखें भी और समझे भी। आशुतोष कन्नत दीजिए, नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।